अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करेंगे बनाएंगे भेजा। तो ये भेजे को है ना बहुत तरीके से बनाया जाता है। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरी मम्मी ने कहा आप निकालो मैं बनाती हूँ, तो इस तरीके से सारी तैयारी कर ली। तो सबसे पहले तो भेजे को धो लेना है और पानी गर्म रखना है और उसमें उसको उबाल लेना है। ये सबसे बड़ा प्रोसीजर है। जो कि देखिए इस तरीके से मुझे भेजा थाली में अक्खा मिला था, थोड़ा है ना ऐसा उठाते वक्त है ना थोड़ा सा हल्का साइड से टूट गया। तो मेरी मम्मी बोले कोई बात नहीं, आप जो टूट गया वो भी हिस्सा पानी में डालो और उसको अभी साफ़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा अगर दिखता है तो लाइन निकाल दो, नहीं दिखती है तो छोड़ दो, पानी गर्म होने के बाद फिर निकाल देना। तो फिर मैंने जो दिखते हो निकाल दिया, फिर गर्म पानी में इस तरीके से डाल दिया। एक ही भेजा था और ज़्यादा नहीं था, तो गर्म पानी में इस तरीके से पहला उबाल लाना है पानी को, फिर डालना है। तो जैसे ही उबाल हो गया, थोड़ा है ना उबलता है ना पानी तो कैमरे में आता नहीं है, तो देखिए इस तरीके से उबाल हो गया। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, जो आपका मगज है वो आपको पूरा मिलेगा, मतलब जो भी गोश्त रहेगा, गोश्त बोल सकते मगज बोल सकते, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। खाली इतना ही है कि आपको संभाल के चाड़न में आराम से छान के लेना है। तो देखिए, और मसाले ना मैंने निकाली थी ज़्यादा, मगर उतना भेजा था नहीं तो मैंने कम डाली हूँ, जैसे कि टमाटर का पेस्ट, हरे मसाले का पेस्ट और कांदे का पेस्ट, ये समझो ज़्यादा था। ज़्यादा यानी 3-4 भेजे रहते तो अच्छा बनता था, मगर एक ही भेजा था। तो देखिए फ्राई पैन इस तरीके से मैंने गरम कर लिया अच्छे से, और जो भी आपके डेक्ची है फ्राई पैन है उसको अच्छे से गरम कर लीजिए, तेल डाल दीजिए। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मम्मी ने बोला नहीं मैं आपको बताती हूँ आप बनाते जाओ, तो मैंने बोला नहीं मम्मी आप बैठो, मम्मी से होता नहीं है चलने फिरने तो थोड़ा तकलीफ होती है। तो मैंने कांदा डाल दिया और कांदे को अच्छे से फ्राई कर लिया। देखिए इस तरीके से कुछ भी नहीं डाला, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के रखी थी, जैसे कि गरम मसाला भी निकाल के रखा था, वो मैंने अभी डिस्प्ले में नहीं डाला। जो कि मैंने डाला नहीं तो मैं डिस्प्ले में क्यों डालूँ, इसके लिए मैंने वो हटा दिया, तो रीज़न ये। तो देखिए ये कांदा मैंने सिर्फ एक ही चम्मच लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, इसका ध्यान रखना है, एक ही चम्मच मैंने कांदा लिया है देखिए, और इसको इस तरीके से फ्राई किया है। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना 5 से 10 मिनट लगते हैं, मीडियम आंच पे करो, फास्ट आंच पे करो, जब तक ये वाइट कांदा आपको पिंक नहीं नज़र आए तब तक आपको इसमें कुछ नहीं डालना है और तेल नहीं छोड़े। तो ये बहुत सिस्टम से करना है काम आपको, कभी भी कांदे का आप ऐसा कांदा लो, काट के लो, चॉप करके लो, पीस के लो, जो भी है, मगर जब तक कांदा आपका फ्राई नहीं होता आप कच्चे कांदे में कुछ नहीं डाल सकते, इसका बहुत ध्यान रखना। तो टाइम तो जाता है और किचन में खड़े रह के आपको काम करना ही करना है। तो देखिए इस तरीके से, और अगर भेजा खाने की फरमाइश है और भेजा ला के दिया है कि भाई भेजा बना के दो हमको खाना है, तो फिर बना के देना बनता भी है। तो जिसको खाना है उन्होंने तो बहुत मज़े से खाया, मगर बनाने के लिए थोड़ा होता है ना आगे पीछे होना पड़ता है कि फर्स्ट टाइम। अच्छा, मैंने टमाटर एक ही, देखिए इस तरीके से मैंने ना बारीक चॉप करके उसको रख दिया भेजे को। अब थोड़ा मैं फास्ट भगा रही हूँ कि आपको भी समझ में आए, रीज़न ये कि बहुत टाइम लगता है कांदा फ्राई होने के लिए और पिंक होने के लिए। तो देखिए इस तरीके से, तो जब कांदा पिंक हो जाए, जब कांदा पिंक हो जाएगा तो मैंने टमाटर इसमें 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए, छोटे छोटे थे चम्मच, थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। फिर हरा मसाला मैंने थोड़ा ही डाला देखे इस तरीके से, और इसको मिक्स कर दिया। अब मसाले ना मैं थोड़े थोड़े ही डालूंगी जितनी इसकी ज़रूरत है, रीज़न ये कि हमने मसाले थोड़े ज़्यादा लिए थे, थोड़े हम कम डालेंगे। अच्छा, मैं कैमरा भी पकड़ रही हूँ और ये भी बता रही, तो थोड़ा दिक्कत होती है ये सारी चीज़ों की, मगर खाने में बहुत टेस्टी था, मज़ेदार था और खाने में बहुत मज़ा आया। इस वजह से क्या, जो भी जो मतलब अभी नमक डाला है मैंने, हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत है ना वेस्ट नहीं हुए। देखिए एक चम्मच मैंने नमक डाला, एक चम्मच लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी ज़रा सी डाली, गरम मसाला भी थोड़ा सा डाला और हल्दी भी थोड़ी सी डाली, इसका बहुत ध्यान रखना। नमक भी जितनी ज़रूरत है उतना ही डालना, थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। अब ये भेजा जो मैंने साफ़ करके रखा था वो डाल दिया अच्छे से, जो जितना था उतना ही डाला। अब इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, आपको दिखता होगा बहुत कम है मगर माशाल्लाह से था फिर भी एक। अब इसको बहुत अच्छे से और बारीक बारीक चॉप करेंगे, क्योंकि टुकड़े बड़े बड़े थे। तो ये हम बनाने जा रहे हैं बुर्जी टाइप, तो ये बन गया बुर्जी टाइप भेजा फ्राई।
तो और मोस्टली ऐसा ही खाया जाता है और इसमें मज़ा भी आता है क्योंकि मसालों में मस्त लतपत होता है। हल्का सा पानी डाला पकने के लिए, हल्का सा, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी उबल चुका है माशाल्लाह से। और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पाँच से दस मिनट फास्ट आँच पे, बारीक आँच पे या मीडियम आँच पे, आपको जैसा समझ में आए आपके हिसाब से आप पकाइए। हल्का पानी फिर से डालूंगी और थोड़ा सा मसाला ले लूंगी पका के। रीज़न ये कि मसाला भी कच्चा होता है, चीज़ें कच्ची नहीं होनी चाहिए, पकनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखना। और इस तरीके से अच्छे से इसको पकाना, तो ये बहुत कम देखा जाता है कि हम फर्स्ट टाइम अगर कोई डिश बनाते और वो प्रॉपर अच्छी बनी और खाने में टेस्टी हो और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या उसको घर की बनी हुई रोटी, उन्होंने पाव लेके आए थे, बोले थे मैं पाव के साथ खा लूँगा, रीज़न है कि बस भेजा ही बना के मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कोथमीर से गार्निश मैंने कर दिया था, तो रोटियाँ भी मैंने बना दी। ये सरप्राइज़ था कि पाव की जगह रोटियाँ खाएंगे, नहीं कि पाव खाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम किसी के लिए सरप्राइज़ करें और वो सरप्राइज़ उसको बहुत अच्छा लगे जिसके लिए हम सरप्राइज़ कर रहे हैं। तो भेजा फ्राई खाने के लिए बहुत टेस्टी, मज़ेदार, लज्जेदार था और जिसने खाया उसने बहुत सारा मज़ा लेके खाया क्योंकि रोटियाँ भी थी और पाव की जगह उसको घर की रोटियाँ मिल गई। तो वाह क्या बात होती है, क्या हमको घर का खाना मिल जाता है टेस्टी लज्जेदार, तो बहुत ही मज़ा आता है। और चॉइस की रेसिपी मिलती है तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी अच्छी अच्छी मैं रेसिपी लाते रहूँगी, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आऊँगी आपके चैनल पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल पे देखिए भेजा फ्राई किस तरह बनाते हैं। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी, एक नए ब्लॉग के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा करना प्लीज़। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। भेजा फ्राई कैसा लगा, आप भी मेरे तरीके से बनाइए खाइए। थैंक यू, बाय बाय।